हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट द रिवीजन फॉर शेयर्स टॉपिक। जो शेयर्स नाम का चैप्टर है, शेयर नाम के चैप्टर का आज हम रिवीजन शुरू करेंगे। क्लास, अगर मैं शेयर्स चैप्टर की मोटा मोटी बात करूं, ध्यान देना, मैं चाहूँगा सभी लोग, जब मैं रिवीजन बोलता हूँ, जब मैं रिवीजन बोलता हूँ तो रिवीजन में इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मैं आधी घंटा एक घंटे में रिवीजन लेना चाहता हूँ तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं क्वेश्चंस वगैरह कुछ सॉल्व करवाऊँ। उसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू अभी डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस ऑल द ओवरव्यू, एक्सीडेंट पॉइंट, इस सब सब पे हम चर्चा करेंगे अभी। और उसके बाद में जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक डेट दे दूंगा, मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस तारीख के पहले पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व करके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कर दे, खत्म कर दे। और उसके बाद हम एक दिन आएंगे, उसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे कि भाई पास्ट एग्जाम में आपको जिन जिन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उन क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो वो डाउट एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। वंस वी आर डन विद डिस्कसिंग द डाउट, वंस वी आर डन विद डिस्कसिंग द डाउट, हम उसके ऊपर में एक पेपर रख लेंगे, उसके ऊपर में हम एक पेपर रख लेंगे। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गई, आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गई। बोलो यस और नो, एक बार हाँ या ना बोलो। हाउ आर रिवीजन विल गोइंग टू वर्क लाइक, ये समझ में आ गया, एक मोटा मोटा व्यू पॉइंट आ गया आपको कि रिवीजन कैसा वर्क करेगा हमारा। शुरू करूँ, शुरू करूँ? शेयर्स चैप्टर की अगर हम बात करें तो शेयर चैप्टर्स को हमने डिवाइड किया था चार पार्ट में, याद है क्या कौन से? पहला पार्ट था इशू, दूसरा पार्ट था फॉरफीचर, तीसरा पार्ट था हमारा री इशू, चौथा पार्ट जो था वो हमारा प्रोराटा। और आप चाहो तो और इसके दो लेग्स और बना सकते हो, दो लेग्स अगर बनाना चाहो तो एक हो सकता है आपका ये इंटरेस्ट, और एक लेग और बनाना है तो बना सकते हो इंटरेस्ट के अलावा वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पूछने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें भी जरा ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक मिनट, हाँ कहाँ है क्लास? जो जो टॉपिक मैंने बोला, इशू, इशू के अंदर में अगर हम, दिख रहा है क्या, विजिबल है कि बहुत ही बारीक हो गया, थोड़ा बारीक हो गया। इशू के अंदर अगर हम बात करें, इशू इशू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक हो सकता है फॉर कैश और एक हो सकता है अदर देन कैश। अगर मैंने कैश में शेयर्स इशू किए, कम ऑन हरिया फास्ट, अगर हमने शेयर्स कैश में इशू किए तो एंट्री क्या होती है? यदि हमने शेयर्स कैश में इशू किए तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश? जवाब दो मुझे, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश? रिसिप्ट हुआ, पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी? पैसा आया तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, आइदर इट माइट बी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बराबर है? फिर ये जो शेयर्स है ड्यू करेंगे तब एंट्री क्या हो जाएंगी? रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिफरेंस या तो डिस्काउंट रहेगा या तो प्रीमियम रहेगा, डिफरेंस या तो डिस्काउंट रहेगा या तो प्रीमियम रहेगा। डिस्काउंट में रहा तो डिस्काउंट में डेबिट कर देना, प्रीमियम रहा तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। कई बार होता है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज रिफंडेड, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन अगर आपने रिफंड किया तो रिफंड करके हम अलग से अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, रिफंड करके हम अलग से अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको ये इशू ऑफ कैश एंट्री याद आ गई, ये बार बार पास होती थी, रिसिप्ट, और उसमें भी एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट बाद में ड्यू, अलॉटमेंट में पहले ड्यू बाद में रिसिप्ट, फर्स्ट कॉल में ड्यू रिसिप्ट, फाइनल कॉल में ड्यू रिसिप्ट। क्लियर है?
इफ वी आर इशूइंग द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, अगर हम अदर दैन कैश के लिए इशू करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी रहती है, शेयर्स कैन बी रीशूड फॉर वेन शेयर्स आर अक्वायर्ड एंड शेयर्स आर इशूड, शेयर्स अक्वायर किया और हमने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, आपने अगर कोई एसेट और या लाइबिलिटी खरीदी, अगर आपने एसेट खरीदा है तो क्या होगा, रिसिप्ट और ड्यू, दो ही एंट्री है, पहला रिसिप्ट बाद में ड्यू, एसेट आया तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, कई बार हम उसकी जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, फिर वेंडर को पे करेंगे तो एंट्री विल बी, वेंडर विल बिकम रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद है क्या, यहाँ हमने एक फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ शेयर्स का, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट पेएबल, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इससे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, इससे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कर लोगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा, एंड व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर, रिसिप्ट अलग ड्यू अलग, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट में डेबिट, डिस्काउंट में डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कर सकते हो, या अल्टरनेटिवली इन दोनों एंट्री को क्लब कर सकते हो ना आप, क्योंकि भाई इसमें कॉस्ट ही पता चलती, इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होता था, यहाँ फार्मूला चेंज होता था, याद है क्या, यहाँ फार्मूला फर्स्ट एंट्री में लगता था, यहाँ लगता था फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगता था अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस, यही फार्मूले को चेंज किया था हमने, अमाउंट पेएबल इधर रहने दिया था, इशू प्राइस उधर ले गए, तो फार्मूला क्या बना था, अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस, अब इन दोनों एंट्री को आप क्लब कर सकते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस रहा तो या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट, डिफरेंस रहा तो या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट, बेटा एक बार थम्स अप दे दो अगर यहाँ तक समझ में आया तो, ये समझ में आया तो थम्स अप दे दो, यहाँ तक याद आ गया तो, मेरा काम सिर्फ याद दिलाने का है, आपका काम आज बैठ के इसके पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बाद फॉरफीचर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर, याद करो बचपन के वो दिन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर, फॉरफीचर का मतलब क्या था, फॉरफीचर का मतलब क्या था, फॉरफीचर का मतलब इट वॉज कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, फॉरफीचर का मतलब क्या था, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, याद है, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, फॉरफीचर का मतलब क्या था, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, तो कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप में फॉरफीचर, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, ठीक है, एक मिनट, क्या है फॉरफीचर की, हमने एक मास्टर एंट्री देखी थी, फॉरफीचर की हमने मास्टर एंट्री देखी थी, क्या थी फॉरफीचर की मास्टर एंट्री, एक मिनट देखो, पढ़ो एक बार फॉरफीचर का मास्टर एंट्री पढ़ो सभी लोग, क्या है बच्चा फॉरफीचर का मास्टर एंट्री, फॉरफीचर का मास्टर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी, देखो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है तो ही प्रीमियम में अमाउंट है, डिस्काउंट में एक्चुअल डिस्काउंट जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, और फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर, दिस इज मास्टर एंट्री, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, बराबर, इसको लगा डाला तो जो ओरिजिनल एंट्री थी हमारी, जो ड्यू की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दोगे तो ये एंट्री बनती है ना, ड्यू की एंट्री क्या थी हमारी, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देखो रिस्पेक्टिव कॉल डेबिट था, रिस्पेक्टिव कॉल यहाँ क्रेडिट होते हैं, डिस्काउंट डेबिट था, डिस्काउंट क्रेडिट होते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट था, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है, और जो बैलेंसिंग फिगर रहता है वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, ये फायदा रहता है शेयर फॉरफीचर में, जो बैलेंसिंग फिगर गया वो अब तक के पार्टनर्स का, अब तक के कंपनी का फायदा होता है, जो कंपनी को वापस नहीं करना है, जो कंपनी ने वापस नहीं करना है। Now, what is reissue of forfeited shares? Reissue of forfeited shares we are divided into three part. हमने reissue of forfeited shares को तीन अलग अलग entries में divide कर रखा था। Reissue of forfeited shares को हमने तीन अलग अलग entries में divide कर रखा था। क्या थी तीन अलग अलग entry?
पहला है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट यानी नॉर्मल इशू, भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ है, नॉर्मल इशू की एंट्री, भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ है, नॉर्मल इशू की एंट्री। नॉर्मल इशू की एंट्री यानी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है यहाँ तक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट अमाउंट ऑफ कॉल, ये फेस वैल्यू से, ये बैलेंसिंग फिगर, या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम। नॉर्मल इशू, ड्यू और रिसिप्ट अलग अलग, ड्यू प्लस रिसिप्ट साथ में, हम अब तक ड्यू और रिसिप्ट अलग अलग पास करते थे, यहाँ ड्यू और रिसिप्ट साथ में। नाउ द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर्ड, जो डिस्काउंट का बैलेंस है, आपको नहीं लगता कि री इशू पे होने वाला नुकसान है, ये तभी हुआ जब आपके शेयर्स फॉरफिट हुए, अगर फॉरफिट नहीं होते तो शेयर्स री इशू होते क्या, अगर शेयर्स फॉरफिट नहीं होते तो क्या शेयर्स री इशू होते क्या, हाँ या ना में जवाब दो, यदि शेयर्स फॉरफिट ही नहीं होते तो क्या शेयर्स री इशू हुए रहते क्या, शेयर फॉरफिट नहीं हुए रहते तो शेयर्स री इशू भी नहीं होते, शेयर फॉरफिट नहीं होते तो शेयर्स री इशू भी नहीं हुए रहते, तो वहाँ पे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है तो वहाँ पे नुकसान जो हुआ है वो फॉरफिटेड शेयर्स री इशू होने की वजह से, तो उसका नुकसान मैचिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड डिस्काउंट को, ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम, ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, ट्रांसफर एंट्री को क्या लगेगा, रूल या लॉजिक, ट्रांसफर एंट्री को लगेगा लॉजिक, ट्रांसफर एंट्री को लगेगा लॉजिक, लॉजिक सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, लॉजिक क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट क्रेडिट हो गया, और कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा वो, कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा वो, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा वो, शेयर फॉरफिचर में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, क्लियर है यहाँ तक, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, क्लियर है यहाँ तक, बोलो येस और नो, हाँ या ना, बड़े आगे यहाँ से, बड़े आगे यहाँ से, अगला इसका फॉर्मूला था री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका ये आंसर री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट है तो फार्मूला अल्टीपल्टी मत कर लेना, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, आपका री इशू डिस्काउंट कम है और ओरिजिनल डिस्काउंट ज़्यादा है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, टेक्निकली लॉस नहीं होता है, अगर आपका री इशू डिस्काउंट कम है, जैसे आपने ओरिजिनल डिस्काउंट ₹3 था, ओरिजिनल डिस्काउंट ₹3 था, री इशू डिस्काउंट ₹1 है, तो री इशू माइनस ओरिजिनल करोगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आंसर आता है, तो -2 क्या आपका री इशू की वजह से होने वाला लॉस है क्या, हाँ, तो ये जो है -2 है तो वो लॉस नहीं है, ये एंट्री तभी पास करना जब इस फॉर्मूले से आंसर पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो दैट्स नॉट टेक्निकली लॉस, री इशू से होने वाला लॉस ट्रांसफर होना चाहिए। एंड द बैलेंस इन जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट है, जो शेयर फॉरफिचर का लास्ट एंट्री, द बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये सबसे ट्रिकी था, बच्चे यहाँ गड़बड़ करते थे, हमको पूरा बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना है, पार्ट ऑफ द शेयर री इशू के वक्त ध्यान रखना पड़ता, भाई फॉर्मूला क्या था, बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइडेड बाई टोटल फॉरफिटेड शेयर माइनस डिस्काउंट ट्रांसफर्ड ऑन री इशू, तो ये फॉर्मूला लगा के आप एंट्री पास कर सकते थे, ये फॉर्मूला लगा के आप एंट्री पास कर सकते थे, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, थम्स अप दे दो यहाँ तक समझ आया है तो, प्रो राटा था हमारा, ये हो गया हमारा फॉरफिचर एंड री इशू, अभी हमने जो देखा वो क्या क्या देख लिया, फॉरफिचर एंड री इशू, नेक्स्ट इज प्रो राटा, प्रो राटा याद है क्या, प्रो राटा, प्रो राटा का मतलब क्या था, प्रो राटा एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, इसका हम चार्ट वगैरह बनाते थे, इसके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डाउट रहे तो हम रिवीजन में बात करेंगे, जब डाउट डिस्कशन करेंगे तब, मैं प्रोराटा पे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, प्रोराटा पे मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, इसका मीनिंग याद कर लो, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, उसका मैंने पूरा चार्ट का वगैरह फॉर्मेट दिया था, जस्ट डू दैट एट होम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, इंटरेस्ट दो जगह से निकलता है ना, एक हो सकता है अरियर्स पे, एक हो सकता है एडवांस पे,
मेरे को बता, अरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेएबल है? कम ऑन हेल्प करो, अरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेएबल है? अरियर्स पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है और एडवांस पे इंटरेस्ट पेएबल है, ठीक है। अच्छा, इसका लिमिट दिया हुआ है 2013 के हिसाब से, बताना 2013 एक्ट के हिसाब से अरियर्स पे मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकते हैं आप, मैक्सिमम कितना रिसीवेबल है अरियर्स पे, कितना मैक्सिमम कितना परसेंट हम रिसीव कर सकते हैं? मैक्सिमम याद है क्या? इट वाज मैक्सिमम 10% और इसके ऊपर में, पेएबल के ऊपर में मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 12%, क्लियर है? वहां पे 10, यहाँ पे 12, वहां पे मैक्सिमम 10%, यहाँ मैक्सिमम 12%, क्लियर है? क्लियर है बेटा, हाँ या ना? यही है लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अरियर्स के ऊपर में इंटरेस्ट रिसीवेबल रहता है। 1956 अब हमको एप्लीकेबल नहीं है, 2013 के हिसाब से 10% है इंटरेस्ट हमारे लिए। जब रिसीवेबल है तो हम रिसीव करेंगे, एंट्री हो जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। द पीरियड विल बी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ कॉल, जो भी कॉल है, टिल द एक्चुअल रसीद, क्योंकि इसने जब तक डिफॉल्ट किया है, कॉल की डेट से रसीद की डेट तक, जब पैसे मांगने चाहिए, दे देने चाहिए थे, वो तारीख से लेके उसके एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट तक। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये हमारे लिए पेएबल है, एक्सपेंसेस है 12%। देखो, याद रखने का तरीका भी बताया था, बहुत नाइंसाफी है, लेते वक्त कम है देते वक्त ज़्यादा है, लेते वक्त 10% है, देते वक्त 12% है, तो यहाँ पे 12% के हिसाब से पे करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पीरियड क्या रहेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस टिल डेट ऑफ ड्यू, डेट ऑफ कॉल, ड्यू का कॉल तक, इस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा, हाँ या ना? थम्स अप दे दो यहाँ तक अगर जम गया तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑथर, एक वो था हमारा, कुछ थियरी पोर्शन है, फटाफट डिस्कस कर ले, क्योंकि थियरी के ऊपर में अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो थियरी के ऊपर में आप लोगों को जवाब देते आने चाहिए, क्योंकि हम ये वाला जो थियरी पोर्शन रहता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा ई का ही इग्नोर करके जाते हैं, बराबर है ना? ई को ही इग्नोर करते हैं। तो फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर मतलब क्या है? कम ऑन हरी अप, शेयर मतलब ये बोलना सही है क्या? शेयर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ये लिख के आओगे तो नंबर मिलने वाले हैं क्या? ये लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दो। ये लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, यू विल हैव टू राइट इट प्रॉपरली एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। अब याद रखो, 284, 284 एज पर 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट इंक्लूड स्टॉक। अब इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग अगर आप निकालो, बाल की खाल उधाड़ो, तो शेयर इज स्मॉल पार्ट, कैपिटल इज ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आप यहीं तक डेफिनेशन बोलते हो, अगर बच्चा ये डेफिनेशन लिख के आते हो तो आप आधी डेफिनेशन लिखते हो, आखिरी में ये जरूरी है, इंक्लूड स्टॉक एज वेल। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर्स जो रहते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, बंडल ऑफ शेयर्स जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। पूरा लिखना जरूरी है, पूरा लिखना जरूरी है। तो इट्स बेटर रादर देन राइटिंग दैट, यू विल हैव टू रिमेंबर एंड राइट दिस। इवन आपके थेरी सब्जेक्ट्स के अंदर में भी ये डेफिनेशन पे नंबर नहीं मिलते, नंबर इन डेफिनेशन पे मिलेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, ये जो छोटे छोटे शेयर्स होते हैं उसको साथ में शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट ऑफ द शेयर्स एंड दैट स्मॉल पार्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज शेयर कैपिटल एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, वहां ये शेयर कैपिटल मेंशन किया होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दैट ब्रिंग्स अस टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जवाब दो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, एनीवन, माइक चालू करके बोलना चाहो तो बोल सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिफाइन मत करने लगा, वोटिंग राइट होते, डिविडेंड उनको फ्लक्चुएटिंग मिलता, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द, ना 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 ना, पगला गए हो क्या? जाना था ना आगरा, ना पहुंच गए मथुरा, ऐसा मत करना। विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या बोलने का? विच आर नॉट
प्रेफरेंस है, सिंपल यही डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है कि जो प्रेफरेंस नहीं है। अरे दो चीज पॉसिबल है ना, या तो शेयर इक्विटी हो सकता है या तो प्रेफरेंस हो सकता है। कंपनी एक्ट ने क्या बोला, हम इक्विटी समझा देंगे, हम प्रेफरेंस समझा देंगे, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है और दूसरी डेफिनेशन के लिए क्या बोल दिया, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। एंड वॉट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वॉट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब? Those who have two preferential right or would carry the right. क्या क्या है? With respect to payment of dividend at a fixed amount or a fixed rate, या the repayment in case of winding up over equity. यानी इनका repayment of capital का right होता है या fixed dividend मिलता है। ये दो right, ये दो अधिकार जिनके पास होते हैं उनको हम कौन सा बोलते हैं? Preference share capital. इनको क्या बोलेंगे हम? Preference share capital. And what are the types of preference share capital? Do you remember types of preference share capital? आठ है, आठ। There are eight types of preference share capital, which we have divided into four category: on the basis of conversion, on the basis of redemption, on the basis of arrears of dividend, on the basis of participation. On the basis of conversion, अगर हम बात करें तो convertible and non-convertible. Convertible मतलब which can be converted into equity shares. Equity shares बोलना जरूरी है. Debentures में convert किया तो they are not called as convertible. And non-convertible मतलब which cannot be converted into equity shares. जिसको हम equity shares में convert नहीं करेंगे, बदले में पैसा दे दो, debentures दे दो, तो वो कहलाए जाएंगे non-convertible. On the basis of redemption, redeemable and non-redeemable. Redeemable मतलब which will be redeemed during the lifetime of the company. कुछ समय बाद redeem कर देंगे. Non-redeemable मतलब which will not be redeemable during the lifetime of the company. वो winding up पे पैसा वापस मिलेगा. Non-redeemable में अगर winding up पे पैसा बचा तो मिलेगा, बराबर है? But as per new law, can a company issue non-redeemable preference shares? Can a company issue non-redeemable preference shares? जवाब दो. नए लॉ के हिसाब से क्या कंपनी non-redeemable preference shares issue कर सकती है क्या? The answer is no. Maximum life of the preference shares cannot exceed 20 years. मैक्सिमम लाइफ ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर. 20 साल से ऊपर का आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते. मतलब बाय डिफॉल्ट 20 साल में प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाएंगे ना? बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल में रिडीम हो जाएंगे, बोलो यस और नो. मैक्सिमम लाइफ ही 20 साल है तो 20 साल में रिपे हो जाएंगे, हाँ या ना? अरियर्स में कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव. कम्युलेटिव मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड, नहीं सॉरी, कम्युलेटिव मतलब विच हैज राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड. कोई अधिकार, कोई राइट, अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेंडिंग होगा. पिछले साल प्रॉफिट नहीं था तो डिविडेंड नहीं मिलता ना. नो प्रॉफिट नो डिविडेंड. तो ऐसे कुछ पिछले साल के पेंडिंग डिविडेंड होंगे तो वो इस साल के प्रॉफिट से जो क्लेम कर सकते हैं दे आर कम्युलेटिव. नॉन कम्युलेटिव, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड. पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग मतलब विच कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस assets, which can participate in surplus profit and surplus assets are participating. Surplus profit, surplus asset मतलब जो बच गया सबको बांटने के बाद, equity shareholders को भी बांटने के बाद जो बच गया वो बोला जाता है surplus. आपने सारे asset बेचे, सारी liabilities pay की, जिसमें preference भी pay कर दिया, equity भी pay कर दिया, फिर भी पैसा बच गया. कायदे से वो पैसे पे हक equity का है क्योंकि ज़्यादा risk उन्होंने लिया. But अगर उसके ऊपर में preference shareholders अपना हक जता पा रहे हैं तो they are called as participating preference shares. When surplus assets. सरप्लस प्रॉफिट, सब प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट बांट दिया, खर्चे पे कर दिए, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, टैक्स दे दिया, डिविडेंड भी बांट दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच जाता है, जिसको रिजर्व बोला जाता है. उसको याले टर्म्स में सरप्लस प्रॉफिट बोला जाता है. उस रिजर्व, उस सरप्लस प्रॉफिट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है. बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हक जता सकते हैं तो उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है या अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, कुछ भी दिया नहीं आपने AOA में, तो द term which will be used will be the preference share will be termed as non-convertible. देखो, अगर आपका article silent है तो there will be termed as non-convertible, redeemable, non-cumulative and non-participating. सब non-non except redemption, क्योंकि non-redeemable law के हिसाब से issue ही नहीं हो सकते. Non-redeemable as per companies act, नए companies act के हिसाब से issue ही नहीं हो सकते. Maximum life has to be 20 years. Maximum life कितना होना चाहिए? 20 years. I hope यहाँ तक के clear है सभी को theory part. यस और नो? बाकी सब ये तो सिर्फ हमने प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए समझा था. चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर ही लेते हैं क्या. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स. इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी इशूड. इशू प्राइजेस तीन हो सकते हैं: पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. पार का मतलब जितने का है उतने में, प्रीमियम मतलब जितने का उससे ज़्यादा में, डिस्काउंट का मतलब जितने का उससे कम पे. प्रोसीजर याद है क्या? कंपनी, ये कौन थे हमारे चुन्नू मुन्नू, कौन थे? रोहन, सोहन, मोहन,
सुनील, बहुत दिनों बाद मिले इनसे। हेलो बोलो इनको, हेलो बोलो। कौन कौन है ये हमारे? ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है, ये सुनील है। हेलो बोलो इनको फटाफट। चलो क्या होता है, कंपनी अगर शेयर इशू करना चाहती है तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये रोहन सोहन मोहन जो जनरल पब्लिक होते हैं वो प्रोस्पेक्टस से एक फॉर्म निकाल के पैसा लगा के कंपनी को भेजते हैं। फिर कंपनी वेरिफिकेशन लेटर लिखती है, कुछ क्वेरी होती है तो पूछती है, फिर एक लेटर और लिख के शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके ओनर बना देती है। नाउ दे आर द ओनर्स इन द कंपनी, बचा हुआ पैसा मंगा लेती है। फिर भी कुछ पैसा बच गया तो उसके लिए आगे और कॉल करके बचे हुए पैसे मंगाते रहती है। देखा जाए तो इसको स्टेजेस में डिवाइड करें तो दे आर थ्री स्टेजेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। कॉल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा अगर कॉल होते हैं तो एवरी कॉल देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 मंथ, एक एक महीने का गैप होना चाहिए। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, एप्लीकेशन पे मैक्सिमम कितना पैसा बुला सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट? एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगा सकते हैं? सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, मिनिमम कंपनीज एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन पे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू, और सेबी का एक एक्ट है सिक्योरिटी जो लिस्टेड कंपनीज रहते हैं उनके लिए रहता है 25% ऑफ इशू प्राइस। इतना डिटेल में है नहीं आपको, इतना डिटेल में है नहीं आपके कोर्स में, 25% ऑफ इशू प्राइस आता है। दो चीज़ रहती है, इस पर आप बात करेंगे जब आप सीए वगैरह कोर्स में आ जाओगे ना, तब हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर में, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ 25% याद रखना है, 25% ऑफ इशू प्राइस याद रखना है, ठीक है? हाँ या ना? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब छोड़ दो, रिसिड्यू रिसिड्यू ये हो चुका है, ये प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी यहाँ आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये मैक्सिमम नंबर होते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है। आपको याद है क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज में हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन किया होता है। कैपिटल क्लॉज में हमारा क्या मेंशन किया हुआ होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, की ये हमारे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसमें से जो ऑफर कर दिए पब्लिक को दे आर कॉल्ड एज इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, और जो ऑफर्ड नहीं किए दे आर अनइशूड शेयर कैपिटल। जो ऑफर नहीं किए दे आर टर्म्ड एज अनइशूड शेयर कैपिटल। अच्छा अब आप सिर्फ पब्लिक को ऑफर करके छोड़ दोगे कि पब्लिक उसके लिए एप्लीकेशन भी डालेंगी? ऑफर करके छोड़ दोगे कि एप्लीकेशन भी डालेंगे? एप्लीकेशन डालेंगी, एप्लीकेशन डाल के जो हमने शेयर्स अलॉट किए, मतलब एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट जो हमने कर दिया, दे आर कॉल्ड एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल। भाई जितना इशू कर रहे हो, जितना ऑफर कर रहे हो आप एप्लीकेशन, उतने की एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं। और इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। भाई ऐसा थोड़ी है, जितना कंपनी लॉ में बोला, जितना आपने MOA में लिख दिया उतना ही आप शेयर इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट अगर उससे ज्यादा की जरूरत पड़ी है तो यू कैन अल्टर योर MOA ना। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन का एक प्रोविजन होता है हमारे पास में, शुरुआत में कम रखो, क्योंकि अगर आप ऑथराइज शेयर कैपिटल जितना ज्यादा रखोगे स्टैम्प ड्यूटी उतनी ज्यादा लगती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है वो ज्यादा लगेंगी। तो जितनी औकात है स्टैम्प ड्यूटी पे करने की उतने ऑथराइज शेयर कैपिटल से चालू करो, पैसे की आगे जरूरत पड़ती है, धंधा बढ़ता है, नया पैसा लगता ही है। नया पैसा जब भी लगेगा तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करके ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा देना। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब जिसके एप्लीकेशन नहीं आए। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल कैन बी ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में पब्लिक को ऑफर किए जा सकते हैं। ठीक है यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? वो तीन टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, उस पर क्वेश्चन आता है, ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब, ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब। समझाए तो थम्स अप दे दो। ये सब लिखा हुआ है आपके पास में, रेगुलर क्लास के दौरान मैंने बताया था। जो बच्चा लोग यूट्यूब पे ये देख रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसा ये चार्ट मैंने आपको बताया, अगर आपको ये चार्ट चाहिए होगा, चार्ट का अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एक एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन या वेबसाइट। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐप मिल जाएगा, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, क्या नाम है आपका, नॉन एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप लोगों को वो मिलेंगी, एक वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, वहाँ जाओ रजिस्टर करो, आपके रिस्पेक्टिव बैच में 12 CBSE 12 स्टेट जो भी आप बैच में हो, वहाँ पे से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकोगे, अगर चार्ट चाहिए होगा तो। साथ साथ में जो पुराने रिवीजन लेक्चर्स है वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो जाके वो एप्लीकेशन से आप
देख सकते हो, ये सारी चीजें हमने उसके अंदर में डिस्कस कर रखी है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? नीचे जाओ, वहां से जाकर आप वो सारी चीजें कर सकते हो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बात करें, उसके आगे हम बात करें तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू बोलना जरूरी है। देखो 10 रुपए का फेस वैल्यू था जिसमें से 6 रुपए बुलाए, 4 रुपए नहीं बुलाए। 4 रुपए विल बी टर्म्ड एज अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो पैसे नहीं बुलाए। अब जरूरी है क्या कंपनी जितने पैसे बुलाए उतने शेयर होल्डर्स पैसे दे दे? डिफॉल्ट करते हैं ना शेयर होल्डर्स। इट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू या दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर। दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल और दैट पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, तो वो पेड अप कैपिटल हो गया। जो उसने पैसा पे नहीं किया दैट इज कॉल्ड एज अनपेड शेयर कैपिटल। अनपेड शेयर कैपिटल को ही हमने टर्म्स दे रखा था कॉल इन अरियर्स, यही रहते ना कॉल इन अरियर्स या डिफॉल्टर्स आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर में इंटरेस्ट वगैरह लगता है, जो हमने देखा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। और जो अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल है इट इज फर्दर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड अनरिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये रिजर्व कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। इस पर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे ना कैपिटल रिजर्व का मीनिंग लिख के आ जाते हैं। ये कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है कि रिजर्व कैपिटल लिखा हुआ है? जवाब दो, क्या लिखा है यहाँ पे? कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है दैट पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू विच इज रिजर्व टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये पैसा हम सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे बुलाएंगे। दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू विच इज रिजर्व टू बी केप्ट ओनली टू बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज रिजर्व कैपिटल, दैट इज रिजर्व कैपिटल। सब लिखा है मैंने, सब बात किया हूँ, सब लिखा के दिया हूँ। एक बार जाओ बढ़िया नोट्स जाकर पढ़ो, आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया पूरा। हमने देखा कि एंट्रीज किस तरीके से होती है, हमने इवन थ्योरी पोर्शन भी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सके। पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगेन आपको नोट सेक्शन से मिल जाएंगे, नोट्स सेक्शन में जाओ, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस डाउनलोड करो, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखो, उसको सॉल्व करो। आज से 3 दिन बाद यानी ट्यूसडे को बात कर रहा हूँ मैं, ट्यूसडे को हम वो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे को सारे पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वेडनेसडे को आई हैव अ पेपर। आई होप आपको प्रोसीजर समझी किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा लोग ये वीडियो YouTube पे एज अ रिविजन देख रहे हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स जो है वो सॉल्व कैसे करूँगा उसके लिए भी अगेन आस्क कृष्णा सर एनीथिंग करके मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ आप आपके डाउट्स अपलोड करो, मैं आपके डाउट्स वहाँ से सॉल्व करूँगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर में भाग लेना चाहते हैं या पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या रिविजन लेक्चर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरे ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ऐप या वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके रजिस्टर करिए, आपका रिस्पेक्टिव बैच सिलेक्ट करिए, आप वो पुराने लेक्चर्स भी देख पाएंगे। ऐप का नाम एनीग्राइड है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उसकी भी लिंक मैं इस रजिस्ट्रेशन के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बच्चा लोग लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ क्लास पे, अब तक कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? तो चलिए मिलते हैं, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे विल कंटिन्यू विद द डाउट्स ऑन ट्यूसडे। आप लोगों से ट्यूसडे मिलते हैं। यूट्यूब वाले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बाय बाय, सी यू।